हेलो बच्चों, आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन या मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से आपको नीट में हर एक साल कम से कम एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, अल्टरनेट में देखने को मिल जाता है। और ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि हम लोग अच्छे तरीके से अभी समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में मान के चलते हैं कि ये हमारा डीएनए स्टैंड है, ये हमारा डीएनए स्टैंड है। और जब डीएनए स्टैंड हम देख रहे हैं तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस टाइप से आपका होगा। जो डीएनए का दोनों स्टैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपका इस टाइप से जुड़ा हुआ होगा, कुछ इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होगा कि भाई प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। प्यूरीन जो है पायरिमिडीन से पेयर करेगा और पायरिमिडीन जो है प्यूरीन से पेयर करता है। यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो ये एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। और अगर हम लोग बोलें कि रेप्लिकेशन करना है तो रेप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि रेप्लिकेशन करने के लिए इसका एक अलग सा कॉपी बनाने को ही हम लोग रेप्लिकेशन बोलेंगे। अब अलग सा कॉपी बनाना कैसे पॉसिबल है, ये इतना बड़ा डीएनए है तो कहाँ से हम जो है एक्चुअली रेप्लिकेशन स्टार्ट करें, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बोलें कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से करना है तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर साइट होगा जहाँ से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक रैपर है और यहां पे अगर हम लोग बोलेंगे इसको फारना है, इसको टियर करना है, तो क्या हम लोग किसी भी जगह से इसको फार सकते हैं क्या? तो किसी भी जगह से इसको नहीं फार सकते हैं। इसको फारने के लिए जो है पर्टिकुलर एक स्पेस बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, वहीं से इसको फारा जा सकता है। तो उसी तरह डीएनए में भी आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं, एक साइट दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ओ आर आई साइट। जैसा कि आपने अभी रैपर में देखा तो वैसे ही यहां पे आपको क्या मिलेगा, ओ आर आई साइट दिखेगा। अब जो ओ आर आई साइट है उसका क्या काम है, तो ओ आर आई साइट जो है, ओ आर आई साइट को हम लोग बोल सकते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या, कि ये वैसा साइट है जहां से कि रेप्लिकेशन ऑरिजिनेट कर रहा होगा, यानी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा होगा, कुछ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने की जो साइट है उसको हम लोग बोल रहे हैं ओ आर आई साइट, जो कि आपका कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग बात करें तो रेप्लिकेशन कराने के लिए एक नया स्टैंड का फॉर्मेशन करना होगा और ये ओ आर आई साइट है, यहीं से क्या होगा आपका एक्चुअल में नया स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ एंजाइम्स वर्क करेगा, जैसे डीएनए हेलिकेज। अब हेलिकेज कहने का क्या मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, डीएनए के हेलिक्स को ब्रेक करेगा। डीएनए का जो हेलिक्स है उसको क्या करेगा, प्रॉपर ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डीएनए का स्टैंड है ना, अब मान के चलो कुछ ये डीएनए का इस टाइप का डीएनए कुछ इस टाइप से आपका क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक जो है आपको पेयरिंग करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। और अगर हम लोग बोले कि इसको हम लोगों को क्या करना है, रेप्लिकेट कराना है, तो दोनों स्टैंड को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन के लिए हमने क्या बोला कि आपका साइट क्या होगा, ओ आर आई साइट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगा, जहां से कि इसको सेपरेट किया जा सकता है। अब ओ आर आई साइट के लिए मैंने क्या बोला, ओ आर आई साइट पे एक्ट कौन करेगा, तो डीएनए हेलिकेज। अब हेलिकेज का क्या काम है कि जो ये टाइट क्वाइलिंग आपको दिख रहा है उसको क्या करेगा, लूज करेगा। अगर लूज किया जाए तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, जो क्वाइलिंग है ये लूज होकर के कुछ इस टाइप से आपको बन जाएगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं कुछ इस टाइप से डीएनए हेलिकेज जो वर्क कर रहा है तो ये क्या करेगा, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी डीएनए हेलिकेज का क्या काम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे इसका कोफैक्टर
मैग्नीशियम आयन जो होगा इसका क्या होगा, कोफैक्टर होगा। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या करता है, डीएनए को अनवाइंड करता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वैसे ही क्या होगा कि जैसे ही डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो अनवाइंडिंग का प्रोसेस होगा। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें, ये मान के चलो कि आपका डीएनए का स्टैंड है, कुछ इस टाइप से ये उलझा हुआ है, और यहां पे हमने क्या बोला कि भाई आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बीच में है, और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जैसे ही यहां पे आपका डीएनए हेलिकेज एक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना उसका काम है, हाइड्रोजन बॉन्ड को जब तोड़ेगा तो ये क्या करेगा, कुछ इस टाइप से आपका फॉर्क बना देगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बना देगा, जिससे कि आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। क्या बोला मैंने, जिससे आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कोफैक्टर मैग्नीशियम है, और ये क्या है, मेन एंजाइम फॉर, मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग के लिए मेन एंजाइम क्या है आपका, डीएनए हेलिकेज आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे अगर हम लोग इस जो स्ट्रक्चर है इसकी बात करें, ये क्या करेगा, फर्दर डीएनए हेलिकेज जब एक्ट करेगा तो कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से चेंज हो गया, यानी ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलते हैं आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलेंगे इसको, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। अब यहां पे जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहां पे क्या होगा, मान के चलो यहां पे एडिनिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम लोग बोले तो क्या हो जाएगा, ये थाइमिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुआनिन की कॉम्प्लीमेंट्री, साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन हो जाएगा, और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो है एडिनिन हो जाएगा। अब जो है कुछ इस टाइप से डीएनए हेलिकेज के एक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रहा है, और जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने क्या किया कि भाई इस टाइप का स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन कर दिया है डीएनए हेलिकेज के बदौलत, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो वापस से ये क्या हो सकता है, कंबाइन कर सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, कुछ स्पेशल प्रोटीन जो है आते हैं और वो क्या करेंगे, इसको मास्क कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन आएगा SSB, प्रोटीन, और SSB प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहने का मतलब क्या हो गया, ये बस एक ही स्टैंड से बाइंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही स्टैंड से बाइंड कर रहा है, और जब एक ही स्टैंड से बाइंड करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे आपका, कि भाई इसको SSB प्रोटीन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, मतलब समझ में आया, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड से ही बाइंड कर रहा है, एक ही टाइप के स्टैंड से बाइंड कर रहा है, और जैसे ही ये मास्क हो गया तो दूसरे साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इससे अब बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि आपका ओवरऑल SSB प्रोटीन और डीएनए हेलिकेज के एक्टिविटी से हम लोगों को अभी तक क्या मिला, तो हम लोगों को मिला आपका ये रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो गया, और रेप्लिकेशन फॉर्क जो है आपस में अब जुड़ेगा नहीं, ये चीज हमारा अब क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप से देखें, जैसे मान लेते हैं ये मान लो डीएनए का हेलिक्स था। अब डीएनए का हेलिक्स में क्या हो गया, कुछ इस टाइप से आपका डीएनए हेलिकेज के मदद से रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो गया, और ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है यहां पे क्या हो जाएगा, एसएसबी प्रोटीन आ जाएगा, जो कि इसको नीचे वाले से बाइंड करने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चलो ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके ये रेप्लिकेशन फॉर्क का तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन हम क्या बोलेंगे यहां पे दोनों साइड की अगर बात की जाए, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहां पे और ज्यादा क्वाइलिंग हो जाएगा। आप एज्यूम कर सकते हो यहां पे और ज्यादा क्वाइलिंग जो है बढ़ जाएगा,
टाइट कॉइलिंग हो जाएगा, और इस टाइट कॉइलिंग को बचाने के लिए एक और एंजाइम यहां पे वर्क करेगा, और उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपका टोपो आइसोमरेज। क्या बोलेंगे यहां पे, टोपो आइसोमरेज। अब टोपो आइसोमरेज का क्या काम है, टोपो आइसोमरेज जनरली आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो टोपो आइसोमरेज के जगह पे आपको डीएनए गाइरेज देखने को मिलेगा। अब जो आपका टोपो आइसोमरेज का है उसका क्या काम है कि जो सुपर क्वाइलिंग यहां पर हो गया है, बहुत ज्यादा क्वाइलिंग जो यहां पर हो गया है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करता है, और जो स्टैंड ऑफ डीएनए है उसको क्या करेगा, कट करके रिवर्स में ज्वाइन करने का कोशिश करेगा, ताकि जो है आपका जो एंठन है या फिर हम लोग बोले कि बहुत ज्यादा जो क्वाइलिंग हो गया है उसको कम किया जा सके। ये टोपो आइसोमरेज का काम हो गया। तो हमारे पास कितना एंजाइम हमने देखा, पहला जो है डीएनए हेलिकेज, दूसरा एसएसबी प्रोटीन, तीसरा टोपो आइसोमरेज या डीएनए गाइरेज भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर और बात करें तो यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये जो है एक स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, यहां पे जब हम लोग बोलते हैं ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो मान लेते हैं कि यहां पे ये 5' है और ये 3' है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या बोलेंगे आपका, ये 3' हो जाएगा और ये 5' हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहां पर 5' और 3' के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोगों को क्या करना है, न्यू स्टैंड का सिंथेसिस करना है, नया स्टैंड बनाना है डीएनए का, और नया स्टैंड के लिए एक बात गांठ बांध करके रख लो कि हमेशा चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए हो, नया स्टैंड हमेशा 5-3 डायरेक्शन में बनेगा। क्या बोला मैंने, नया स्टैंड हमेशा 5-3 डायरेक्शन में बनेगा। और अगर हम लोग नया स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है आपका ये 5', ये 3', ये 5' और ये 3'। इसको एक और डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे जो कि एनसीईआरटी में आपको बनाया है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा एंजाइम काम करेगा। अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे मेनली जो एंजाइम काम करता है डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, और डीएनए पॉलीमरेज आपका 3 टाइप का होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जब हम लोग डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसके पास क्या खासियत है, उसके पास एक प्रूफ रीडिंग का क्या है, वो काम कर सकता है, और प्रूफ रीडिंग कैसे कर सकता है, 5-3 भी कर सकता है और 3-5 भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, 5-3 भी करेगा, 3-5 भी करेगा। ये प्रूफ रीडिंग कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का तो आपने समझ लिया, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है क्या है, आपका बहुत ही आलसी एंजाइम है, वो भी काम करता है, वो भी आपका चेन बनाने का काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा चेन नहीं बना पाएगा। बहुत ज्यादा लंबा चेन कौन बनाता है, तो बहुत ज्यादा लंबा चेन आपका बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यानी कि मेन एंजाइम का अगर बात किया जाए जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो मेन एंजाइम है जो कि आपका रेप्लिकेशन कराएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें तो कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम बना करके देख सकते हैं। ये डीएनए का स्टैंड है, ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मान लो आपका 5' है, ये आपका 3' है, ये आपका 3' हो जाएगा, ये आपका 5' हो जाएगा। अब हमने क्या बोला, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, यही चीज आपको पिछले वाले डायग्राम में भी दिख रहा था,
यहां से क्या होगा कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा कैसे, तो मैंने बोला जो न्यू स्टैंड का सिंथेसिस करना है वो हमेशा क्या होगा, 5 से 3, तो 5 से 3 जो है यहां से सिंथेसिस होगा, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम। अच्छा, मैंने क्या बोला, 3 टाइप का डीएनए पॉलीमरेज बताया था, एक जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें से मैंने पहले वाले के बारे में आपको क्या बताया कि इसके पास प्रूफ रीडिंग का उसको काम आता है, ये 5 से 3 एंड 3 से 5 दोनों तरह से एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी करेगा, यानी कि रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ जो है प्रूफ रीडिंग कर सकता है। अब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें ना, तो हम लोग बोलते हैं 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जो है आपका एड होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, और एक्यूरेसी भी उतना ही ज्यादा चाहिए, और एक्यूरेसी है तो भाई प्रूफ रीडिंग भी करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है प्रूफ रीडिंग का आपका काम कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में मैंने बताया कि भाई ये आलसी है और आपका न्यू स्टैंड का सिंथेसिस करेगा लेकिन बहुत दूर तक नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पे यूज किया किसके लिए किया जाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज आपका थर्ड यूज किया जाएगा। अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या है, मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है, क्या बोलेंगे, मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन क्या है आपका, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो बोलेंगे क्या कि आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें और थर्ड की बात करें, तो ऐसा समझो कि इसको गाड़ी चलाने तो आता है, यानी कि रेप्लिकेशन कराने तो आता है, लेकिन रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा इसके लिए इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, यानी गाड़ी स्टार्ट कैसे होगा वो इसको नहीं पता है। तो भैया आप इसको गाड़ी चलाने के लिए तो दे दोगे, चला तो लेगा, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करके देनी होगी, और ये जो गाड़ी स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है ना वो कौन करेगा, तो यहां पे आएगा आपका एक आपका शॉर्ट आरएनए का सीक्वेंस आएगा, जिसको कि आरएनए प्राइमर बोलेंगे या प्राइमेज बोलेंगे। तो यहां पे जो है आपका शॉर्ट आरएनए का सीक्वेंस होगा, जिसको कि प्राइमेज बोल सकते हैं, ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द आरएनए है। यहां पे भी क्या है, ये प्राइमेज है, ये भी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द आरएनए है, और यहां पे क्या हो जाएगा इसके बाद, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और प्रॉपर जो है स्टैंड का सिंथेसिस कर देगा, 5 से 3 डायरेक्शन में आपका जो है स्टैंड का सिंथेसिस करेगा, है ना। अगर हम लोग इधर की बात करें तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही होगा, अब आप देख रहे होगे ये स्टैंड और ये स्टैंड में क्या अंतर आपको दिख रहा है, तो ये स्टैंड में मैंने क्या दिखाया है आपको, यहां पे आपका ये स्टैंड में मैंने आपको क्या दिखाया है, ये स्टैंड में आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे वाला जो स्टैंड है वो क्या है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, और ऊपर वाला स्टैंड क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस ये कैसे हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो नीचे वाला जो स्टैंड है वो क्या करता है आपका, यहां पे रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होना है, 5 से 3 से ही स्टार्ट होना है, 5 से 3 ही एक्टिविटी चलेगी, और अगर 5 से 3 एक्टिविटी चल रही है तो 5 से 3 में आपको क्या दिखेगा, यहां जो है क्या है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है ना। अब रेप्लिकेशन फॉर्क में ये तो आपका आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर क्या है, एक बार आया रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब रेप्लिकेशन जैसे ही स्टार्ट कर दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये डीएनए हेलिकेज जो है इस बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे जा रहा है, और आगे जाते 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 क्या हो गया, यहां पे पहुंच गया। अगर यहां पे पहुंच गया तो ये वाला स्टैंड भी क्या होगा, इधर जाएगा, और यहां पे जो आरएनए प्राइमर लगा हुआ था वो आरएनए प्राइमर जो है क्या हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा, मतलब आगे रह जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। और जब आगे रह जाएगा तो यहां पे भी आपको क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए फिर से आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी,
फिर से यहां पे एक नया स्टैंड का फॉर्मेशन किया जाएगा, फिर से एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी, फिर से एक नया स्टैंड का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो यही एक्टिविटी जो है ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा, और इसके कारण से हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ये जो है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड है, और इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं। इसको लीडिंग स्टैंड भी बोलते हैं, इसको लैगिंग स्टैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है आपका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड बोलते हैं या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड बोल रहे हैं। अगर हम लोग इसको डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड बोल रहे हैं तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड में आपको और क्या देखने को मिलेगा, तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड में हम लोग क्या बोलेंगे कि ओवरऑल हम लोग क्या बोलें कि डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड में आपका ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला स्टैंड जो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। अब डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो आपका है स्टैंड,